then he is a gunda in the face of police. You are using the state power. You are using a state power for an unlawful gain. एक एक मेरी इस बात का जवाब हाँ जी अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ, क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पेटिशन दिया FIR का उसकी कॉपी तो उसमें लगाया नहीं उन्होंने। आप उल्टा बस मत कीजिए, यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर ए स्टेट आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जलते। हम पूछा हुजूर की अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, but these are the matters which are giving rights to commission of a cognizable offence, and when this information was given to the police, when one of your police officers Nisha had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO, why FIR was not lost? Why FIR was not lost? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉज ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो है इंस्पेक्टर, he is saying ना कि आपका पेपर हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका, तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ। FIR रजिस्टर हुआ फिर? ये तो है ही हुजूर यहाँ लगा हुआ। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर पेपर आया हुआ था। नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, उसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाकर चोरी कर लिया, जब ये गए नहीं वहां। मुश्किल चीज है, इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए जी, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पॉन्डेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको, एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पजेशन में था इस प्रॉपर्टी के, लेकिन ये व्यक्ति पजेशन में था, इनकार कहां का जा रहा हुजूरी, कहां का सर? अगर इनकार तो खुद ही छोड़ के चले गए तो क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बींग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योर सेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज, द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड। इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कॉलिजन विद द पर्सन्स हु आर इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज, देन दैट पर्सन नो लॉन्गर रिमेन्स ए पुलिस ऑफिसर, देन ही इज ए गुंडा इन द वेस ऑफ पुलिस, देन ही मे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए टेररिस्ट। You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका है? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर। ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको। गए नहीं पुलिस। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं। जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ, कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की, 8 बजे की घटना है। आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है, अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए SHO के,
इनकी संपत्ति की जांच कराइए एंटी करप्शन ब्यूरो को, हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियास के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। एससी एसटी एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं, एलिगेशंस है। अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो एफआईआर लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मैटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ही हैज एक्टेड लॉफुली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको, पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कनाइवेंस आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर ही मे बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट सैंक्शन, देयर विल बी नो नीड ऑफ सैंक्शन इन सच केसेस। तो ये मुझे बताइए कि एफआईआर लॉज क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक एफआईआर चाहिए, मुझे शाम तक एफआईआर चाहिए। आप मंगवाइए और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म दिस कोर्ट एंड दीज टू ऑफिसर्स एज वेल एज मिस्टर चौबे, दे विल नॉट इन्वेस्टिगेट दोज केसेस। आई विल इशू सर्टेन डायरेक्शंस टू एसएसपी राइट नाउ एंड देयर कंडक्ट विल बी एग्जामिन्ड बाय द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। आप मुझे बताइए 4 बजे। देयर आर सीरियस एलिगेशंस, इफ दोज एलिगेशंस आर ट्रू देन दैट विल हैव ए वाइड रेमिफिकेशन। दो दिन से उनको धमकी मिल रही है, कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें सर एक आवेदन से दिलवा दिया जाता है एफआईआर के लिए, आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है आवेदन पर एफआईआर होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। एफआईआर के लिए क्या रिटन जरूरी है कंप्लेंट? तो कुछ बताएंगे रोज आपके एसआई जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। क्या आप खान साहब बार बार मैं आपको हुजूर कुछ बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। You are a state lawyer. You have to protect the citizens. आप बिल्कुल impartial होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको without realizing कि यहाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया, निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका सीसीटीवी फुटेज लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का फुटेज। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना? अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे, इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी,
एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है। हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि एससी एसटी केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाया है वो भी पता लगना चाहिए। कहां कहां ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं बताइए मुझे। 4 बजे एफआईआर करके